हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बात यूपी के मिर्जापुर की, जहां पर स्कूल में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। रामपुर अतरी गांव में मिड डे मील के लिए बनाई गई सब्जी के भगोने में 3 साल की बच्ची गिर गई। गंभीर रूप से घायल बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में खाना बनाने वाली महिला की लापरवाही सामने आई है। महिला कान में ईयरफोन लगाकर गाने सुन रही थी। जिलाधिकारी ने प्रधानाध्यापक को निलंबित करके मामले की जांच के आदेश दिए हैं। तो लापरवाही का ये बहुत बड़ा मामला, दिल दहला देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली यह खबर यूपी के मिर्जापुर से है। हमारी बच्ची पढ़ने गई थी, 2 बच्चे हमारे हैं, वो उनके साथ पढ़ने जाती थी, बोलती थी कि पापा हम पढ़ने जाएंगे सामने। तो बच्चे ने बोलते थे कि चलो हम साथ में बैठना सीखो। हाँ, अब गई थी पढ़ने के लिए। वहाँ पर जो दाई लोग हैं, खाना बनाती हैं, वो लोग ऐसा किया कि खाना ले करके जो भगोला आता है वो खुले में रख करके अपना ईयरफोन लगा कर बात कर रही थी। बात करने लगी, बच्ची हमारी खेलते खेलते पहुंच गई, उसी में गिर गई। फिलहाल जो दाई हैं वो जब देखी बच्ची गिरी है तो वो लोग भी छोड़ के भाग गई वहाँ से। ये रामपुर अतरी विद्यालय में, मड़ियान में, लालगंज क्षेत्र में 3 साल की बच्ची है, नाम उसका अंचल है। वो विद्यालय में जब भोजन बनाया जा रहा था तो उस समय भगोने पे गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके शरीर में जलने के घाव हुए थे। उसके बाद उसे अस्पताल लाया गया था मंडल में यहाँ पर, और जिसे उसे 6 बजे मृत घोषित कर दिया गया है। इस प्रकरण में जो भी इसमें हेडमास्टर हैं स्कूल के, उनको तत्काल निलंबित करने के निर्देश दे दिए गए हैं, और इसमें बीसी को भी निर्देश दिया गया है कि इस घटना में फायर लॉज करे, और जो भी दोषी व्यक्ति है उसको सजा मिलेगी, कार्रवाई होगी। तो प्रधानाध्यापक को तो तत्काल निलंबित कर दिया गया है, लेकिन इस परिवार को वो बच्ची अब कभी नहीं मिल पाएगी। मिड डे मील में कई सारे लापरवाही के मामले हमने देखे हैं, लेकिन ये गंभीर मामला है। रणवीर एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, वाकई में मिड डे मील में हमने छिपकली गिरते देखी है, चूहा गिरते देखा है, बच्चे बीमार पड़ गए, लेकिन ये मामला सबसे अलग है और लापरवाही का सनसनीखेज मामला। जी बिल्कुल, 3 साल के बच्चे जिसका नाम अंचल है, वो अपने भाइयों के साथ स्कूल में इसलिए जाती है कि वो स्कूल में बैठे बच्चों के साथ कुछ सीख सके, और इसलिए पेरेंट्स भेजते हैं। गंभीर आरोप है रसोइयों पर, जो कान में ईयरफोन लगाकर गाने, जिस बर्तन में खाना बन रहा था वो ढका हुआ भी नहीं था। और सबसे गंभीर आरोप ये है कि ये जब घटना हुई, जब बच्ची आंचल उस पतीले में गिर गई जिसमें सब्जी बन रही थी, तो रसोइयों ने उसको तुरंत निकालने की जगह वो डर के वहां से भाग गई। तो ये एक बहुत गंभीर आरोप है, और इसमें प्रधानाध्यापक को निलंबित करने की कार्रवाई के साथ ही 6 रसोइये थे, 6 रसोइयों के खिलाफ मामला दर्ज करके पूरे मामले की जाँच के आदेश जिलाधिकारी ने दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो बच्ची स्कूल में आती है, वहां दौड़ते हुए बर्तन में गिर जाती है, और उसके बाद जब वो गिरती है तो कोई उसको उठाने की जगह पर भाग जाते हैं, तो ये एक बहुत लापरवाही का मामला है। एफआईआर दर्ज हो रही है, कार्रवाई होगी, लेकिन ये तो जरूर है कि आंचल वापस लौट कर नहीं आएगी। जी, तो क्या कोई खबर है रणवीर की, इससे पहले भी लापरवाही की कोई घटना वहां पर घटी है उस स्कूल में? देखिए, उस स्कूल में कोई लापरवाही की खबर इस तरह की नहीं है, लेकिन जो बच्ची के पिता हैं उनका सीधा आरोप है कि कान में ईयरफोन लगा करके वो जो रसोईया है वो खाना बना रही थी। तो पहली लापरवाही तो वहीं से जाहिर होती है कि आखिर खाना बनाते वक्त ईयरफोन का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। जिस जगह पर खाना बनाया जाता है वो एक कमरा होता है, आमतौर पर जितने भी प्राथमिक विद्यालय होते हैं उसमें कमरे होते हैं जिसके अंदर खाना बनता है। तो आखिर उस कमरे के अंदर छोटी बच्ची गई क्यों, और जाने के बाद जब वो उस बर्तन में गिर गई तो उसको तुरंत निकाल कर अस्पताल पहुंचाने की जगह जो रसोईया थी वो वहां से भाग क्यों गई। तो इस तरह के कई गंभीर आरोप इस पूरे मामले पे लगे हैं। जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए, निलंबित करने के आदेश दिए हैं, लेकिन जिस तरीके से प्राथमिक विद्यालयों में लापरवाही का मामला लगातार सामने आता है, यही मिर्जापुर है जहां नमक रोटी खिला दी गई थी, इसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं हमको देखने को मिली कि घटिया खाना मिलता है, खाने में कुछ मिलावट होती है, तो इस तरह के कई वाकये आए हैं। लेकिन ये बेहद गंभीर है क्योंकि मामला 3 साल की बच्ची से जुड़ा हुआ है, जो उस स्कूल की विद्यार्थी भी नहीं थी। ज्योति जी, बहुत शुक्रिया। मिड डे मील की योजना की शुरुआत की गई थी कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्कूल आए, स्कूल आकर खाना खाएं, ताकि जो गरीब बच्चे होते हैं वो खाली पेट पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे और उनके माँ बाप की स्थिति वैसी नहीं होती कि वो उनको खाना दे पाएं। और आप समझिए, उस मिड डे मील योजना में हमेशा लापरवाही की खबरें आती हैं जो सरकार के लिए कान खोलने के लिए काफी रहती हैं। मैं शेखर कपूर
लेके आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।